तरफ से जो पहले शेयर दिए गए हैं 10, उसमें पहला शेयर होगा टाटा एलेक्सी का। ये टाटा ग्रुप की जो 5 साल की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो बैठक चल रही है उसका शुरुआत हो रही है। टाटा एलेक्सी मर्जर और ग्लोबल एक्सपेंशन दोनों का बेनिफिट उठाएगा। गेल को लेकर सरकार गैस खरीद को लेकर एक नई पॉलिसी पर विचार कर रही है, पॉलिसी ऐसे कुछ बदलाव करेगी जो इनके हक में जा सकता है। 348 5 दिन का कंसोलिडेशन भी इनके हक में जाएगा। टीवीएस मोटर में कल अहम मूविंग एवरेज के पार हुआ है, एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग है, आज वापस 600 के ऊपर आकर 606 का टारगेट लगा सकता है। मदरसन शॉर्ट करें, कमजोर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ग्लोबल असर पड़ेगा ट्रेड वॉर की वजह से। भारतीय इंफ्राटेल पे तेजी के संकेत, 57% खरीदा कैश डिलीवरी, ताजा खरीदारी वादा के अंदर है। एसएल टेक के अंदर 68% की कैश डिलीवरी और इसके अंदर भी फ्रेश बाइंग के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बीपीसीएल कमजोर है, $75 के ऊपर आते ही वापस से हमको तेजी देखने को मिलेगी क्रूड के दामों में, तो इसका नुकसान बीपीसीएल को मिलेगा। भारत फोर्ज प्लस कर सकते हैं, 27-28 तारीख को एक बैठक होने वाली है निवेशकों के साथ। अदानी एंटरप्राइज वीक है स्ट्रक्चर और शॉपर स्टॉप जेफरीज की रिपोर्ट है, 660 का टारगेट है, आज के लिए 565 का टारगेट रखे खरीदारी। इन्फो एज में आज न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, 1190 का टारगेट रखे खरीदें, 1165 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। वीक स्ट्रक्चर है सेंचुरी टेक्सटाइल, इस सीरीज के लो पे काम कर रहा है, 864 के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है। और मेटल माइनिंग तो ग्लोबली वीक है जिसमें हिंडाल्को कमजोर स्ट्रक्चर 213 तक के लक्ष्य आज हासिल करेगा। नेगेटिव साइड पे प्ले करें, 221 से 222 के रेंज पे लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। गुजरात पे बाव, यहां पर आईसीसी पूरे ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है और इनफैक्ट अब जिनका स्टेक है वो लगभग 10% के आसपास पहुंच गया है, तो तेजी के संकेत इस पे बन सकते हैं। 114-115 की रेंज के लिए खरीदारी की जा सकती है। ऑयल इंडिया 217 का टारगेट है, 206 का एक स्टॉप लॉस। हाइड्रोकार्बन रिजर्व की खोज की है कंपनी ने। नेल्को आज टाटा ग्रुप के समूह के स्टॉक्स जो होंगे फोकस में होंगे, खासतौर से जो सबसे ज्यादा चले हैं फरवरी 2017 से लेकर अब तक उन पे फोकस होगा, जिसमें नेल्को और टिन प्लेट ये शामिल है। मेटल्स के हाथ एक ऑर्डर लग गया है, एक अच्छी खबर है। नोसेल खरीदा जा सकता है आज के लिए 174 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 167 और करूर वैसे बैंक ने बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है, 110 से 112 का टारगेट आज के लिए होगा। डिफेंसिव प्ले करना है तो ब्रिटानिया को पोर्टफोलियो में शामिल करें, 6015 का टारगेट है और 5960 आज के दिन का स्टॉप लॉस ब्रिटानिया। ये 20 शेयर की सूची पूरी हुई है, आज थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता भी है और ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर है, सावधानी के साथ ट्रेड करें। उम्मीद है 20 शेयर आपके बहुत फायदेमंद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।